स्वागत है आप सभी का अध्ययन केंद्र में। इस वीडियो के माध्यम से अभी हम पढ़ रहे हैं लुसेंट ऑब्जेक्टिव बुक, जिसका अभी चल रहा है ये हिस्ट्री। और एक दो स्टूडेंट का अधिक नहीं कमेंट आया था कि सर वीडियो में जो क्वालिटी है ना वो ख़राब है, उसको दिख नहीं रहा है। तो आपके साइड में मीन्स ऊपर वाले कोने में रेजोल्यूशन का बटन होता है, उसको आप सही कर लो तो वो दिखेगा, वो आपके नेट के चलते ऐसा होता है। चलो स्टार्ट करते हैं। आज हम अपना पहला नौवां लेसन पूर्व मध्यकाल, जो 650 से लेकर 1206 ईस्वी तक चला था, इसे इसके अंतर्गत हम पहले पढ़ेंगे उत्तर भारत मीन्स राजपूत काल। चलो स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है यहाँ आपका, पूर्व मध्यकालीन भारतीय इतिहास में 750 ईस्वी से 1200 ईस्वी तक के समय को मुख्यतः क्या माना जाता है। अभी हम पढ़े थे यह है राजपूत काल। राजपूत काल 712 ईस्वी में सिंध पर अरबों के आक्रमण के समय वहाँ का शासक कौन था? सिंध का शासक कौन था? वो था दाहिर। दाहिर सर्वप्रथम भारत में जजिया कर लगाने का श्रेय सिंध के विजेता मोहम्मद बिन कासिम को दिया जाता है। उसने किस वर्ग को इस कर से पूर्णतः मुक्त रखा? ये था ब्राह्मणों को। ब्राह्मणों को कर से मुक्त रखा गया था। मीर कासिम जो था, बिन कासिम, वो कब आया था इंडिया, जरा कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो बहुत बार पूछा गया प्रश्न है ये। किस ग्रंथ के उल्लेख के आधार पर यह माना जाता है कि मलेच्छों के अत्याचार से त्रस्त होकर महर्षि वशिष्ठ ने अत्याचारों के विनाश हेतु आबू पर्वत पर एक यज्ञ किया एवं यज्ञ में अग्निकुंड से चार राजपूत कुल परमार, चालुक्य या सोलंकी, प्रतिहार एवं चौहान का जन्म हुआ? ये कौन से पुस्तक से पता चलता है? यह पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो आपको जानना होगा मनुस्मृति के बारे में। जैसे अभी क्या है, संविधान है, तो प्रारंभिक टाइम में क्या था? प्रारंभिक टाइम के संविधान को आप मनुस्मृति कह सकते हो। उसके बाद फिर आया था जवाबित, धर्मनिरपेक्ष, वो धर्म के आधार पे था। तो मनुस्मृति के बारे में अधिकतर प्रश्न आते हैं। दिल्ली का, या जिसे दिल्ली कहा जाता है, नगर की स्थापना किनके द्वारा किया गया था? ये थे तोमरो। तोमरो ने किया था दिल्ली का स्थापना। किस शासक, उस शासक का नाम क्या है जिसके विजय स्तंभ या कृति स्तंभ का निर्माण कराया था? ये करवाया गया था राणा कुंभा के द्वारा। राणा कुंभा ने कृति स्तंभ या विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था। निम्नलिखित में से भारत पर पहली बार आक्रमण करने वाला अरब कौन सा था? आक्रमण करने वाला कौन सा था ये पूछा जा रहा है। ये था अरब। अरब सबसे पहले जो आक्रमण किया था वो था अरब से। पृथ्वीराज रासो निम्नलिखित में से किसने लिखा? ये लिखा गया था चंदबरदाई। चंदबरदाई आंसर है यहाँ पे सी। इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा, क्योंकि यहीं से राजपूत वंश का किस तरह से मीन्स उदय हुआ ये इसमें जिक्र किया गया है। नेक्स्ट यहाँ पे आपको मीन्स मैच करना होता है इस प्रश्न में। तो प्रतिहार का कन्नौज, प्रतिहार या परिहार, उसकी राजधानी कहाँ थी? कन्नौज। चंदेल का खजुराहो, चंदेल खजुराहो। परमार या पवार का धार, चालुक्य सोलंकी का आन्हिलवाड़ा। वर्ष 1100 ईस्वी में निर्मित मंदिर जो भुवनेश्वर के अन्य मंदिरों पर प्रधानता रखता है वो कौन सा है? मीन्स वहाँ का सबसे अच्छा मंदिर, इसीलिए वो क्या रखता होगा, वहाँ पे प्रधानता रखता होगा। यह है आपका त्रिभुवनेश्वर लिंगराज। त्रिभुवनेश्वर लिंगराज आंसर क्या है यहाँ पे? सी। दिलवाड़ा मंदिर कहाँ स्थित है? कई बार पूछा गया प्रश्न है ये स्थित है आबू पर्वत पर। आबू पर्वत पर खजुराहो स्थित मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये भी। चंदेल राजपूत वंश ने। चंदेल वंश पर से याद रखो, खजुराहो का मंदिर किसने बनवाया था? चंदेल राजवंश ने। विजय स्तंभ कहाँ स्थित है? यह चित्तौड़गढ़ में। और कौन बनाया था विजय स्तंभ? अभी पढ़े थे राणा कुंभा। लिंगराज मंदिर की नींव डाली थी किनके द्वारा? लिंगराज मंदिर का नींव डाला गया था ययाति केसरी से। ययाति केसरी के द्वारा। सोमनाथ के मंदिर पर 1025 में मोहम्मद गजनवी के आक्रमण के समय गुजरात का शासक कौन था? भीमदेव प्रथम। भीमदेव प्रथम आपको ये भी इम्पोर्टेंट है कि सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण कौन किया था? तो मोहम्मद गजनवी ने किया था। और कब किया था? 1025। इस भी इम्पोर्टेंट नहीं है, पर मोहम्मद गजनवी इम्पोर्टेंट है। हिंदू विधि पर एक पुस्तक मिताक्षरा किसने लिखा?
मिताक्षरा लिखा गया था विज्ञानेश्वर के द्वारा। ब्लैक पगोडा इसमें से क्या है, ये क्या है, कोणार्क में। ब्लैक पगोडा क्या है, कोणार्क में है। वैसे कोणार्क में एक सूर्य मंदिर भी है, चला बताइए कोणार्क जो है कौन से स्टेट में, आसान सा प्रश्न है। सूर्य मंदिर भारत में एक ही प्रसिद्ध है, वो कोणार्क का सूर्य मंदिर है, कमेंट बॉक्स में बताना है आपको। यहाँ आपको सुमेलित करना है राजवंश और उसकी राजधानी, तो चौहान या चहमान इसके हैं अजमेर, गढ़वाल या राठौर इसके हैं कन्नौज, गुहिलोत या सिसोदिया चित्तौर, कलचुरी या हेहई यह है त्रिपुरी। राजस्थान के इतिहास का प्रेरणाता किसे कहा जाता है, कर्नल टाट। यहाँ पे सुमेलित करना है राजवंश दिया गया और उसका राज क्षेत्र दिया गया है। तो चौहान दिल्ली व अजमेर में था, प्रतिहार कन्नौज, परमार मालवा, चालुक्य या सोलंकी कठियावाड़। नेक्स्ट फिर से प्रश्न वही है, सुमेलित करना है जिसमें राजवंश और राज क्षेत्र दिया गया है। तो चंदेल, जेजियाक भुक्ति या बुंदेलखंड, कलचुरी इसमें चेदी, गढ़वाड़ या राठौर कन्नौज, गुहिलोत मेवाड़। एक प्रश्न और है सुमेलित से, चौहान राजवंश का संस्थापक वासुदेव, परमार का सीयक द्वितीय श्रीहर्ष, चालुक्य सोलंकी का मूलराज, चंदेल का कानून चंदेल, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है, संस्थापक पूछे जाते हैं। फिर से इसको रिपीट कर देते हैं, चौहान का वासुदेव, परमार का सीयक द्वितीय श्रीहर्ष, चालुक्य या सोलंकी का मूलराज प्रथम, चंदेल का ननुक चंदेल। यहाँ पे कौन सा सुमेलित नहीं है, मीन्स एक गलत है और तीन आपके यहाँ पे क्या है सही है। तो राष्ट्रकूट विजयालय ये गलत है यहाँ पे, जो कि ये सब सही है। चंदेल का भी पढ़े थे नानुक चंदेल, कलचुरी का कोलकक द्वितीय, गढ़वाड़ का चंद्रदेव, ये तीनों सही है, याद रखना है आपको। हरिकेली नाटक के रचयिता कौन है, हरिकेली नाटक के रचयिता है चौहान शासक विग्रहराज, मीन्स फोर्थ इसको पढ़ा जाता है, फोर्थ बिसलदेव, आंसर है प्रथम मीन्स ए। किस शासक के कुछ अंश अढ़ाई दिन का झोपड़ा मस्जिद के दीवारों पर अंकित है, तो अढ़ाई दिन के झोपड़े पर किस महाराज के बारे में अंकित किया गया है, यह हरिकेली। रानी पद्मिनी का नाम अलाउद्दीन खिलजी की चित्तौर विजय से जोड़ा जाता है, उसके पति का नाम क्या था, मीन्स पद्मिनी के पति का नाम क्या था, ये आपसे पूछा जा रहा है, यह राणा रतन सिंह। विक्रमशिला शिक्षा केंद्र के संस्थापक का नाम क्या है, विक्रमशिला शिक्षा केंद्र के संस्थापक का नाम क्या है, ये नाम है इनका धर्मपाल। निम्नलिखित में से किस मंदिर परिषद में एक भारी भरकम नंदी की मूर्ति है जिसे भारत की विशालतम नंदी मूर्ति माना जाता है, यह कदलिया महादेव मंदिर। नंदी मीन्स गाय होता है, ठीक है ना, गाय की मूर्ति है वहाँ पे। निम्नलिखित में से किसे एक नए संबत चलाने का यश प्राप्त है, जैसे विक्रम संबत या शक संबत कई बार जिक्र कर चुके हैं, तो एक नया संबत चलाने का यश प्राप्त है, मीन्स उन्होंने नया संबत चलाया था, ये है लक्ष्मण सेन। गीत गोविंद के रचनाकार जयदेव किसकी सभा को अलंकृत करते थे, गीत गोविंद की रचनाकार जयदेव किसके सभा को, मीन्स किसके समय में वो एक रचनाकार थे या एक कवि थे, तो वो एग्जिस्ट करते थे लक्ष्मण सेन के दरबार में। याद रखना गीत गोविंद के रचयिता कौन है, जयदेव। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया प्रश्न है गीत गोविंद किनके द्वारा लिखा गया, तो जयदेव। किसने सोमपुर महाविहार का निर्माण कराया था, सोमपुर महाविहार का निर्माण करवाया गया था धर्मपाल के द्वारा। भुवनेश्वर तथा पुरी के मंदिर किस शैली से निर्मित है, यह है नागर शैली। देखो जब भी दक्षिण भारत में इधर आए, केरल तमिलनाडु इस सब साइड का मंदिर, वो क्या हो जाएगा, द्रविड़ शैली का हो जाएगा, नॉर्थ में मेनली नागर शैली ही चलता है। राजवंश जो कन्नौज पर आधिपत्य स्थापित करने में त्रिकोणीय संघर्ष
में उलझे हुए थे वो मीन्स सही, उनमें से कौन कौन सा उलझे हुए थे ये आपको बताना है। इसमें पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट, ये कन्नौज पर आधिपत्य स्थापित करने के लिए मीन्स उलझे हुए थे। नेक्स्ट है यहाँ पे, भारत पर प्रथम आक्रमणकारी कौन था? तो मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम ये कब आया था? 712 ईस्वी में। और प्रथम मुस्लिम भी यही था जो भारत पर आक्रमण किया था। जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में है? उड़ीसा। पुरी में स्थित कोणार्क की विशाल सूर्यदेव के मंदिर का निर्माता कौन है? यह नरसिंह प्रथम। मैंने आपसे प्रश्न पूछा है कोणार्क कहाँ पे, कमेंट बॉक्स में बताना है आपको। नेक्स्ट प्रश्न है, अजय पाल संस्थापक थे, इनमें से किसके संस्थापक? अजय पाल थे, ये थे अजमेर के। निम्नलिखित में से कौन कविराज के नाम से विख्यात था? कविराज से नाम से था भोज परमार। कविराज के नाम से विख्यात था। भोज परमार द्वारा रचित पुस्तक इसमें से कौन कौन सी है? तो समरागगण सूत्रधार, योग सूत्र वृद्धि, सरस्वती कंठाभरण, आयुर्वेद सर्वस्व, ये चारों है। फिर से रिपीट करते हैं, भोज परमार द्वारा रचित पुस्तकों में आयुर्वेद सर्वस्व, सरस्वती कंठाभरण, योग सूत्र वृत्ति और समरागण सूत्रधार। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, समरागण सूत्रधार मीन्स किस विषय पर आधारित था? उसके अंतर्गत कौन से विषय था? वो था स्थापत्य शास्त्र। उसकी मृत्यु से धारा नगरी विद्या और विद्वान तीनों ही निरक्षरित हो गए। अधधार निराधार निरलंबा सरस्वती पंडिता अखंडा सर्वे भोजराजे दिगंबते, यह उक्ति किस शासक के संबंध में है? मीन्स ये लाइन जो है इसको यहाँ पे संस्कृत में लिखा गया है, ये उक्ति किस शासक के संबंध में है? तो भोज परमार। हालांकि ये शासक नहीं थे, लेखक थे। किस शासक के दरबार में जैन आचार्य हेमचंद्र को संरक्षण मिला था? ये थे जयसिंह या फिर कुमारपाल। जयसिंह और कुमारपाल दोनों, ए और बी दोनों यहाँ पे आंसर आपका। नेक्स्ट है, वह प्रथम भारतीय शासक कौन था जिसने तुर्क आगणता मोहम्मद गौरी का सामना हुआ और जिसने मोहम्मद गौरी को परास्त कर दिया? ये कौन सा शासक था? भीम द्वितीय। किस शासक ने कालिंजर के अजय दुर्ग का निर्माण करवाया था? धंगदेव। निम्नलिखित में से वह कौन सा संबत है जो कलचुरियों द्वारा प्रयुक्त किए जाने के कारण कलचुरी संबत भी कहलाता है? त्रिकुटक संबत। यह उस टाइम में क्या था? संबत होता क्या है? टाइम का निर्धारण करने के लिए, मंथ होता है ना, डे मंथ वीक, इसको क्लासिफाई करने के लिए संबत का निर्माण करवाया जाता था। तो यहाँ पे क्या था? त्रिकुटक संबत। तो एक वीडियो हम और बनाएंगे इस एक्सरसाइज का, क्योंकि टोटल आपके 83 प्रश्न हैं। तो अगर मैं इसमें कंप्लीट करूँ तो काफ़ी लंबा होगा वीडियो, तो 45 तक इसमें हो गया, एक पार्ट इसका और आ जाएगा, आपका लेसन कंप्लीट हो जाएगा। एग्जाम प्रोस्पेक्टिव से एक्सरसाइज काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देखिएगा। और उम्मीद करते हैं कुछ सीखने का मौका मिला होगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, नहीं पसंद आया हो तो डिसलाइक कीजिए, पर कारण जरूर बताइएगा ताकि हम वीडियो को इम्प्रूव कर सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।